हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है कुकिंग विद अमृता में। आज मैं शेयर कर रही हूँ फ्रेश मटर की टिक्की की रेसिपी, जो घर में इजीली अवेलेबल सामान से बन जाता है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मटर की टिक्की बनाने के लिए एक सॉस पैन में 3 से 4 कप पानी उबलने रखा है। पानी में जब उबाल आ जाए तब इसमें ताज़े मटर 1 कप डाल दिए हैं, और मटर डालने के बाद जब पानी में उबाल आए तो 5 मिनट के लिए और कुक करें। गैस का फ्लेम मैंने फुल रखा है। 5 मिनट के बाद गैस का फ्लेम बंद कर दिया और मटर को एक स्ट्रेनर में छान लिया है। मटर को 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं ताकि इसका टेम्परेचर कम हो। 10 मिनट के बाद मटर को एक मिक्सी के जार में डाला और इसको दरदरा पीस लेना है। हमें इसका ग्राइंड पेस्ट नहीं चाहिए, बिल्कुल दरदरा चाहिए। मिक्सी में इसको दरदरा पीस लिया, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। अब दरदरा पीसे हुए मटर को एक बाउल में निकाल लेते हैं। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल ऑप्शन को ज़रूर सेलेक्ट करें। अब टिक्की में मटर को बाइंडिंग देने के लिए आलू का यूज़ कर रहे हैं। तो 2 उबले हुए आलू लिए हैं, जिनको उबाल कर नॉर्मल टेम्परेचर होने दिया है। नॉर्मल टेम्परेचर आने के बाद आलू को मटर के बाउल में ही कद्दूकस कर लिया है। वैसे तो आलू को आप हाथ से भी फोड़ सकते हैं, लेकिन कद्दूकस करने से इसमें गांठे नहीं होती और टिक्की बहुत स्मूथ बनती है। आलू को कद्दूकस करने के बाद इसमें 1 छोटा चम्मच नमक, 4 मीडियम साइज़ की लहसुन की कलियां, जिसको आलू और मटर वाले बाउल में ही कद्दूकस करके डाल दिया है, 4 काजू को फाइन चॉप करके डाला है। काजू की जगह पर रोस्टेड पीनट को फाइन चॉप करके डाल लें। 2 हरी मिर्च, जिसको फाइन चॉप करके डाला है। मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर लें। मैंने मीडियम स्पाइसी मटर की टिक्की बनाई है। अब इसमें 1 छोटा चम्मच गरम मसाला, 2 छोटा चम्मच बेसन, 1/2 छोटी चम्मच अमचूर पाउडर, 2 से 3 बड़े चम्मच हरा धनिया फाइन चॉप किया हुआ, 2 से 3 बड़े चम्मच कद्दूकस किया हुआ क्यूब चीज़, या फिर इसकी जगह पे आप मोजरेला चीज़ भी ले सकते हैं, ये ऑप्शनल है। अभी 3 ब्रेड लिया है और तीनों ब्रेड को मिक्सी में पीसकर ब्रेड क्रम्स बना के डाल दिया। 1/4 कप या 50 ग्राम के लगभग पनीर कद्दूकस करके डाला है। अब सभी सामग्री को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसमें चीज़ ऑप्शनल है, लेकिन डालने से इसका टेस्ट अच्छा आता है। अब जैसे हम आटा गूंथते हैं ना, उसी तरह से गूंथ के इसको रख दिया। अब इसकी हम टिक्की बना लेंगे। टिक्की बनाने के लिए आपको जिस साइज़ की टिक्की चाहिए उसके हिसाब से लोई तोड़ लें। इसको पहले जैसे रोटी के लिए गोले बनाते हैं ना, वैसे ही हाथ से गोल गोल कर लिया और दोनों हाथ से इसको टिक्की का शेप दे दिया। जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं, टिक्की का शेप देते समय आप ध्यान रखें कि टिक्की की थिकनेस सब जगह से एक ही हो और ये सर्कल शेप में बने, जिससे कि दिखने में ये बिल्कुल मार्केट जैसे लगे। तो इसी तरह से मैंने सारे टिक्की को तैयार कर लिया है। 1 कप मटर से मैंने 13 मटर की टिक्की तैयार की है। सारी टिक्की को बना के तैयार कर लिया। अब इसे आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं या फिर इसको शैलो फ्राई कर सकते हैं। तो मैं हेल्दी बनाने के लिए इसको शैलो फ्राई कर रही हूँ। एक पैन में मैंने 2 से 3 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल गर्म होने डाला, और जब ऑयल गर्म हो जाए तब इसमें मटर की बनी हुई टिक्कियों को डाल दिया। एक बार में जितनी टिक्कियाँ आए उतने डाल दें, और 2 मिनट के बाद जब साइड से गोल्डन कलर दिखने लगे तब पलट दें। आपको किसकी टिक्की खाना सबसे ज़्यादा पसंद है, मटर वाली या आलू वाली, कमेंट्स करके बताइए। गैस का फ्लेम मैंने मीडियम रखा है और मीडियम फ्लेम गैस पे ही टिक्की बनाना है। साइड से गोल्डन कलर की जो टिक्की दिखती जाए उसको पलटते जाएंगे, और इस तरह से मैंने सारी टिक्कियों को एक बार पलट लिया है। अब दूसरी तरफ से भी इसे 2-3 मिनट सेकते हैं। 3 मिनट के बाद ये दूसरी तरफ से भी गोल्डन कलर की दिखने लगी है, तो इन्हें दूसरी तरफ से भी पलट लेंगे। टिक्कियों में ऊपर से कितना सुंदर गोल्डन कलर दिख रहा है, और खाने में ये उतनी ही लाजवाब होती है। इसे एक बार तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सभी टिक्कियों को अलटते पलटते हुए दोनों तरफ से गोल्डन कलर का होने तक सेक लेते हैं, और जो टिक्कियाँ दोनों तरफ से गोल्डन कलर की हो जाए उनको एक प्लेट में निकालते जाएंगे। अब जो पैन में जगह खाली बच गई है उसमें बाकी बची हुई टिक्कियों को भी डाल देते हैं। फर्स्ट बैच टिक्की सेकने के बाद मुझे पैन में ऑयल काफ़ी कम लग रहा है, तो मैंने इसमें 1 बड़ा चम्मच ऑयल और ऐड किया है।
और अब इसमें बाकी बची हुई टिक्कियों को डालकर इसे भी पहले की तरह ही दोनों तरफ से पलटते हुए गोल्डन कलर का होने तक सेक लेते हैं। मटर की टिक्कियों को गर्मा गर्म धनिया की चटनी या फिर टोमेटो केचप के साथ सर्व करें, ये खाने में लाजवाब होती हैं।